हेलो वेलकम टू माय व्लॉग। मेरी हालत खराब होती हुई देखते हुए अपनी टाट खुजाता हुआ देख भाई मैं अगर डूब तो मुझे जो पानी से लगे डर नहीं भाटी जी। हाँ। आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। ये आदमी मुझे धिंगा मस्ती लेकर आया, बताओ यार कोई तरीका है। और गाइस मैं भी जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं? ऋषिकेश। तो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश और मैं रवि बैठे हुए थे तो एकदम से हमारा प्लान बन गया जाने का। तो अभी हम रास्ते में हैं, चढ़े हैं अभी हम KMP पे तो सीधा ऋषिकेश निकल रहे हैं दोनों भाई। और वहाँ पे ऋषिकेश में दो तीन फ्रेंड और हैं इसके रविंदर के, क्या का नाम है उनका, सचिन है एक, सचिन है, सौरभ है और एक उनके साथ का लड़का है, एक उनके साथ का वही राफ्टिंग करते हैं। हाँ। दिखाते हैं आपको तो ऋषिकेश का व्यू कैसा मौसम है वहाँ पे, तो पूरा व्लॉग देखिएगा पूरी एकदम। हम आपको स्पेशली हम राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली, तो गाइस बने रहिएगा आपको पूरा एकदम हम दिखाएंगे राफ्टिंग कैसे करते हैं, कितनी देर में हमने राफ्टिंग की या कितने किलोमीटर की हम राफ्टिंग करने वाले हैं तो वो चीज हम आपको दिखाएंगे। तो रवि आप कितने एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। तो ये प्लान हमारा कब से बन रहा था? ये प्लान हमारा पिछले काफी महीने से बन रहा था, चार दिन आ ही गया है, एटलीस्ट दो महीने से तो बन रहा था। तो मेरी वजह से ही डिले हो रहा था, मैं थोड़ा सा बिजी था इधर उधर शूट वगैरह में और फिर फाइनली इसने मुझे पकड़ लिया और बोला भाई अब चल रहे हैं। तो मेरा राफ्टिंग का पहला एक्सपीरियंस रहेगा, राफ्टिंग मैं पहली बार करूंगा। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अच्छा ये कर चुका है, अच्छा एक्सपीरियंस है राफ्टिंग का। तो मैं पहली बार करूंगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि यार राफ्टिंग में होता क्या है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पानी से मुझे लगता है बहुत ज्यादा डर, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है राफ्टिंग का। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी जैकेट होती है। हाँ ना, वो तो मुझे पता है, वो तो तू बचा लेगा। तैरना भी नहीं आता मुझे, तैरना भी आता है मुझे। तुझे आता है? मुझे नहीं आता, मुझे आता ही कुछ, पानी से इतना डर लगता है तो तैरूंगा कहाँ से मैं। तो आपके लिए तो काफी इंटरेस्टेड और चैलेंजिंग होने वाला है ये। हम मेरे लिए तो सीरियसली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और बीच में हम ऋषिकेश में हमारे शूट वगैरह भी होते हैं तो वहाँ पे राफ्टिंग का प्रोग्राम बनता है तो मैं हर बार कैंसिल कर देता था क्योंकि यार मुझे पानी से लगता है डर। तो इस वजह से मैं थोड़ा इस चीज से बच रहा हूँ और आज रविंदर के साथ मैं करूंगा पहली बार राफ्टिंग। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग पे पूरा और दिखाते हैं क्या क्या वहाँ का प्राकृतिक नेचर आपको हम दिखाएंगे। क्यों रविंदर? बिल्कुल ऋषिकेश का। तो इस व्लॉग में मेरा साथ देंगे रविंदर पूरा व्लॉग में, तो ये भी शुरुआत से एंड तक। तो गाइस देखिएगा पूरा व्लॉग, देखते रहिएगा लास्ट तक, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार ये व्लॉग होने वाला है। तो थैंक यू, लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग। टनल बड़ी, क्या टनल बनाया इन्होंने यार, अंदर से मतलब ये चीजें देख के लगता है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत कितना आगे चल रहा है। मतलब कि आप इसी चीज से लगा सकते हो कि कितनी डेवलपमेंट है। बड़ी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है देश ने, मतलब हम अभी तक यहाँ पर आए हैं चीजें तो इतना अच्छा रोड, इतने अच्छे हाईवे और हर चीज वाकई में। हम किसी शहर में नहीं घुसे, हम अभी तक कहीं किसी शहर में नहीं घुसे, बाहर से बाहर, ग्रेटर नोएडा से बाहर से बाहर, इतने अच्छे रोड। तो मैं माननीय हमारे नितिन गडकरी जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई। ये हमारा बहुत अच्छे रोड है यहाँ तक। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, सभी जो भी अभी मेरे यूजर्स आप देख रहे हैं, हमारा प्लान था ऋषिकेश बट मेरा एक फ्रेंड है वो देहरादून के हैं, वो हमारे भाई हैं और वो स्पेशली उन्होंने अपने पास में बुलाया है तो उन्होंने इतने प्यार से, इतने दिल से वो बुला रहे हैं। तो हम सीधा अभी हम जा रहे हैं देहरादून। कैसे हैं सब? तो अभी हम आए हैं देहरादून में द ऑरेंज रिजॉर्ट में, तो अभी हम डिनर कर रहे हैं। तो रवि भाई हैं और सब साथ में हैं और हमारे साथ में सोनू भाई, कैसे हो? तो इनका रिजॉर्ट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरा रिजॉर्ट एकदम फर्स्ट क्लास। Thank you.
11 बज रहे हैं। हाय रविंदर, हाउ आर यू? आप कभी भी देहरादून आओ तो जरूर द ऑरेंज रिजॉर्ट में जरूर आए, काफी अच्छे सर्विस है, खाना बहुत अच्छा है, तो आप लोग जरूर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने और फिर हम जाएंगे राफ्टिंग करने। तो मैं और रवि दोनों लगे हुए हैं, ये दोनों लगे हुए हैं खाने में। तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और यहाँ पे डोसा आ गया। ये डोसा तो बहुत छोटा सा है, यही साइज है। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का डोसा, तो अच्छा है। तभी मैं अपना रूम दिखाता हूँ आपको, तो आप देखिएगा ये। ओ माय गॉड, रवि अपना लगा हुआ है चाय बनाने में। मेरी महबूबा, तो आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा रूम का। ये देखो कैसे कर रखा है इसने रवि ने रूम। क्या हाल है रवि, बना दी चाय? बहुत अच्छे। ये पूरी चाय बनाता हुआ लड़का, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, इतना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का रूम का। ओह माय गॉड, आप देख सकते हो ये रिवर है, बट अभी इसमें पानी नहीं है रिवर के अंदर। और ये यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? उत्तरांचल, वो सामने। हाँ वो अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो लिख रहा है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हो कितनी यूनिवर्सिटी है। सीरियसली बहुत ऐसे लग रहा है जैसे हम तो ये सोच रहे थे बिला कैसे बन रहे हैं बिलास। तो आप देख सकते हो हमारा व्यू एकदम रूम का, और पूरा उधर पहाड़ है। तो बस अभी निकल रहे हैं हम राफ्टिंग के लिए, रेडी हो चुके हैं, थोड़ी वीडियो भी बनाएंगे बीच में। ये रविंदर, बिल्कुल एक तो वीडियो बना दी है ना, डाल दी ना तूने? हाँ, जय वीरो। तो थैंक यू गाइस, बने रहिएगा ब्लॉग पर। और ये अगेन, हाँ मौसम काफी अच्छा है, आप देख सकते हो फुल बाइसेप्स पोज मारते हुए। थैंक यू गाइस, क्या कर रहे हो? मौसम काफी अच्छा है। अब बारिश हो चुकी है हल्की फुल्की यहाँ पर मॉर्निंग में, और फिर धूप भी निकल चुकी है। अब धूप भी, अब थोड़ी गर्मी हो गई। फिर अब निकल रहे हैं हम राफ्टिंग के लिए, मजा आएगा। एक्साइटेड हैं हम दोनों? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, है ना लड़के? मैं, आई ऑल्सो। या ये मेरी चाय। थैंक यू ब्रदर। भाई अभी हमने यहाँ से चेकआउट कर दिया है, सोनू भाई हमारे साथ में। क्यों सोनू भाई, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। आप आए हमारे यहाँ पे, आपको देहरादून कैसा लगा? अब सोनू भाई हमसे पूछ रहे कि हमें कैसा लगा। भाई हमें बहुत अच्छा लगा, और भाई बिल्कुल कल से ही हमारे साथ में, और इन्होंने जो मतलब आवभगत जो करी है, हमारे गुजरी लैंग्वेज जो बोलते हैं आवभगत जो इन्होंने करी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी सोनू भाई के साथ में। तो सभी भाई राफ्टिंग के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा सांस बना के। ऑल द बेस्ट है। ऑल द बेस्ट भाई। राफ्टिंग यार, भाई ने जो इतना डराया हूँ मैं आज राफ्टिंग के लिए, बहुत ज़्यादा सीरियसली। अब मेरा इतना, मैंने मूड एकदम प्रॉपर बना के रखा हुआ था, अब इन्होंने ऐसा हिला दिया मेरा, जो दिमाग की जो बत्ती है ना वो हली पड़ी है पूरी की पूरी। तो कोई नहीं, करेंगे।
फाइनली हम ऋषिकेश आ चुके हैं, रामधुला के पहुंच चुके हैं। हम रामधुला आ चुके हैं और अभी आपको व्यू दिखा दूंगा, बहुत जबरदस्त स्थान है, इधर आ सकते हो, आ जाओ। ये गंगा मैया बहती हुई यहाँ पे हर हर ग्राम वेट करते हैं पूरे। अब वो आप दिखा सकते हो, उधर दिखा दीजिएगा। ये काफी अच्छा लगेगी, बहुत जबरदस्त महकाता हुआ हमें भाई। अरे कैसा फील कर रहे हो आप? एकदम टू एक्साइटेड, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे राफ्टिंग करने और अभी करेंगे राफ्टिंग बेहतरीन तरीके से और देखते हैं, पहला एक्सपीरियंस है हमारा। बहुत कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो मेरी हालत खराब होती हुई देखते हुए, मैं फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपनी टायर खुजाता हुआ यार। देख भाई मैं अगर डूब दो मुझे जो पानी से लगे डर नहीं भाटी जी, आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। ये आदमी मुझे धिंगा मस्ती लेकर आया, बताओ यार कोई तरीका ऐसी जगह लेकर, ये गलत बात है। वो यार वो सिंगल सिंगल कर रहे हैं यार, वो है ये तैयारी चलती हुई हमारी सिस्टम है। हम राफ्टिंग के लिए तैयार होते हुए सेफ्टी जैकेट पहनते हुए अरुण सेफ्टी जैकेट भाई का पहला एक्सपीरियंस है, देखो कैसा रहता है, काफी अच्छा है। मेन होता है सिकुरी से, वो है बेस्ट ट्रैवलिंग जिसमें नॉन रैपिड आते हैं, अच्छे से डेंजरस। ये सामने दिख रहा है गोल्फ कोर्स, ये वाला ये खतरनाक है, एक पीछे भी आता रोलर कोर्स। अच्छा तो वो खतरनाक है, नॉर्मल है, दो तीन रैपिड। अरे तो एक दिक्कत थोड़ी है, वहाँ से भी आते हैं लोग यार। वहाँ से भी आते, अभी पानी बढ़ाओ ना, इसलिए कम आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा।
ओके तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ, ठीक है। मेरा नाम है गौतम, जो आप लोग गाइड है, ठीक है भाई। सेकंड गाइड हमारे साथ सुनिए, ठीक है। ओके तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है क्लब हाउस, आपका एंड पॉइंट हो अनाइन बीच। यहाँ से आते हैं हमारे टोटल 3 से 4 रैपिड, रैपिड कहते हैं वेव्स को, जो दिख रहा है आपको। इसमें कुछ हमारे मेजर रैपिड आते हैं जिसमें चांस होते हैं आपके पानी में गिरने के, तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, आपके सेफ्टी में लाइफ जैकेट दिया गया है, ठीक है। हेलमेट आपके सर की सेफ्टी में दिया गया, पैरल आपका रियर फ्रेंड है, बेस्ट। ओके नेक्स्ट, ये राफ्ट का फ्रंट साइड है, बैक साइड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। आप मेरे साथ टोटल 7 जने के, 4 बैटिंग है राइट, 3 बैटिंग है लेफ्ट, मैं बैठूंगा बैक साइड में। मेरा काम है राफ्ट को कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना, आप लोग को रिस्क एंड गाइड करना, आपका काम है राफ्ट को स्पीड जनरेट करा देना, तो ठीक है। इसमें बैठेगा राइट और लेफ्ट फ्रंट में वही बैठेगा जो पानी से डरता ना हो, ठीक है। बैठना ऐसे प्रॉपर बाहर की तरफ, ऐसे राफ्ट की फ्रंट साइड की पहचान है लंबी रोक, ठीक है। अगर आप राइट साइड बैठे हो तो प्रॉपर बाहर बैठना, राइट वाला पाओ आगे पॉकेट में लॉक करना, लेफ्ट वाला बैक साइड। अगर आप लेफ्ट साइड बैठे हो तो लेफ्ट वाला पाओ आगे राइट बैक साइड। ओके तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ, ठीक है। मेरा नाम है गौतम, जो आप लोग गाइड है, ठीक है भाई। सेकंड गाइड हमारे साथ सुनिए, ठीक है। ओके तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है क्लब हाउस, आपका एंड पॉइंट हो अनाइन बीच। यहाँ से आते हमारे टोटल 3 से 4 रैपिड, रैपिड कहते हैं वेव्स को, जो दिख रहा है आपको। इसमें कुछ हमारे मेजर रैपिड आते हैं जिसमें चांस होते हैं आपके पानी में गिरने के, तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, आपके सेफ्टी में लाइफ जैकेट दिया गया है, ठीक है। हेलमेट आपके सर की सेफ्टी दिया गया, पैरल आपका रियर फ्रेंड है, बेस्ट। ओके नेक्स्ट, ये राफ्ट का फ्रंट साइड है, बैक साइड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। आप मेरे साथ टोटल 7 जने के, 4 बैटिंग है राइट, 3 बैटिंग है लेफ्ट, मैं बैठूंगा बैक साइड में। मेरा काम है राफ्ट को कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना, आप लोग को रेस्ट एंड गाइड करना, आप काम है राफ्ट को स्पीड जनरेट करा देना, तो ठीक है। इसमें बैठेगा राइट और लेफ्ट फ्रंट में वही बैठेगा जो पानी से डरता ना हो, ठीक है। बैठना ऐसे प्रॉपर बाहर की तरफ, ऐसे राफ्ट की फ्रंट साइड की पहचान है लंबी रोक, ठीक है। अगर आप राइट साइड बैठे हो तो प्रॉपर बाहर बैठना, राइट वाला पाओ आगे पॉकेट में लॉक करना, लेफ्ट वाला बैक साइड। अगर आप लेफ्ट साइड बैठे हो तो लेफ्ट वाला पाओ आगे राइट बैक साइड। जिसके पास एक्स्ट्रा पैडल होगा तो पैडल, ठीक है। आपको पास हैंड में पैडल है तो आपको पकड़ना कैसे है इसको, इसे कहते हैं पैडल डिवाइडेड टी 3 पार्ट में, इसे कहते हैं टी, इसे कहते हैं साफ, इसे कहते हैं ब्रेक। इसको होल्ड कैसे करना है, हम डाउन करना है 4 उंगली ऊपर, ब्रेक करीब करीब पकड़ना है ऐसे, हाँ ठीक है। अगर आप राइट साइड बैठे हो तो आपका राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा। अगर आप लेफ्ट साइड बैठे हो तो आपका लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर आएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही पकड़ के रखना, बाकी बैक साइड से हमारी कुछ कमांड होते हैं जो आप, भैया सुनो मैं आपको बैक साइड से कमांड दूंगा। पहली कमांड पैडल फॉरवर्ड, पैडल फॉरवर्ड में क्या करना है, आपको बॉडी को लीन करना है, एल्बो स्ट्रेट, पैडल का जो ब्लू पार्ट है, येलो पार्ट है, ब्लैक पार्ट हो किसी में, ब्लेड पार्ट, इसको पूरा पानी में डीप करना, पानी को आगे से पीछे खींचना, पैडल फॉरवर्ड। मैं आपको फिर सेकंड कमांड दूंगा पैडल स्ट्रॉक या रिलैक्स, पैडल स्ट्रॉक में पानी से बाहर निकालना, पैडल थाई के ऊपर रूट कोल्ड करना है, ये हो गया पैडल स्ट्रॉक या रिलैक्स पैडल, आपको चलाना नहीं उसके अंदर पैडल। बाकी मैं आपको थर्ड कमांड दूंगा ऑल बैक पैडल, ऑल बैक पानी को पीछे लीन होना है, ऐसे पानी को गाइज। अभी हम राफ्टिंग के लिए रेडी हो चुके हैं और मैं और रवि, तो अभी पूरी टीम हमारी उधर है पीछे, वो खड़ी हमारी बोट जा चुकी है, बोट अंदर रेडी हो चुकी है हमारी बोट, और अभी हम जा रहे हैं और फोन रख रहे हैं यहाँ पे, फिर बीच में अगर फोन मिलता है तो फिर एकदम से बढ़िया से राफ्टिंग करेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, पूरा व्लॉग दिखाएंगे, फुल एक्साइटेड है हम, मजा आएगा, बहुत अच्छा, बहुत पानी का भाव बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, यही है ओके, पानी में जाना जा सकते हो पानी में, अच्छा बैठा कहाँ फिर, जाओ जाओ पानी में जाओ, बैठा कहो मैं बाहर बैठो रहा ये मैं तो हूँ ना भैया, घबरा ना रे, मगर चीज ही ऐसी है घबराना भी पड़े, पाँव फ्री कर दो, पाँव होने रैपिड टेम्पर, काफी एंजॉय करते हुए हम राफ्टिंग का। अबे इन भैया की वीडियो बना सक मैं क्या, भाई हेलो कैसे हो सब, और पहला मेरा जो है एक्सपीरियंस पहला है ये, बहुत बढ़िया, शाबाश कर रहे हैं यहाँ पे, चांद कर रहे हैं आप भी जा सकते हो, आगे पूछ जाओ तो यार फॉर्म ठंडा, तो अभी आप आए हैं यहाँ पर राफ्टिंग, बहुत बढ़िया, और बताना रवि हैं, रवि रवि कूद के पानी में, मैं दो बार कूद के वापस आ गया, ओ काफी ठंडा पानी है, काफी मजा आ रहा है, सावन जी मानसू फोन है भैया जी अपने पास जिम में करते हुए, मैं पानी के अंदर हूँ, बहुत थिएटर नहीं रहा, पानी बहुत ठंडा रही है, सीरियसली पर बहुत मजा आ रहा, बहुत ठंडा पानी, 997 अरे यार घड़ी लड़ी तुमने हमारी, सही वन
भाई दाग जा रहा है जेबी पकड़ के तू चौखानी चौखे पकड़ के रख लिया ना पूरी टीम हमारे साथ में वृंदावन टीम है हम आए भैया वृंदावन से और इस समय हम आए गंगा जी के दर्शन करने के लिए और गंगा जी में राफ्टिंग करने के लिए भाई कोई दिक्कत बोलो राधा रानी की मैया की भाई आराम से मत करे भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छे जा रहे हो आप लग लगा जाएगी बहुत सबके अरे गंगे अरुण भैया की रस्सी पकड़ के निकल जाए कूद कर मजा ले रहे विमान से लेके आप नहीं भला नो रस्सी छोड़ दूंगा यार रस्सी छोड़ी तो जीवन छूट गया फ्री में जीवन है तो काफी रिलैक्स हूँ मैं तो रिलैक्स एकदम कोई टेंशन नहीं है कहीं से कहीं तक भी रिलैक्स हूँ मैं तो देखो वहाँ से पिछले 4 किलोमीटर से मैं स्विमिंग करता हुआ आ रहा हूँ रिलैक्स कर रहा हूँ भाई अब मैं ओह कितना मजा आ रहा है वाकई में ऐसा लग रहा हूँ हमारी हो चुकी है राइडिंग राफ्टिंग सॉरी नॉट राइडिंग तो काफी मजा आया बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था हमारा तो हमारे सुमित भाई हैं और भाई आप गौतम भाई हैं बहुत अच्छा हमें डायरेक्ट किया और काफी आराम से होता रहते ऐसे मतलब गिरते पड़ते आए हां गिरते पड़ते काफी मजा आया और आप भी आए गौतम भाई के पास भाई के पास बहुत अच्छी है राफ्टिंग कराते हैं गाइड करते हैं तो फाइनली हम आ गए से आना देख के ये भी जरूरी है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर्दी लग रही है बहुत अच्छा रहा बहुत ठंडा पानी है रियली और सबसे ज्यादा मुझे तब आया जब हम पानी में कूदे फिर आप तो पानी में ही रहे थे अरे पानी में मैं अरुण तो मोस्टली पानी में ही रहा था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आओ और करो और ये बहुत अच्छा सीजन भी चल रहा है राफ्टिंग का तो काफी मजा आएगा काफी एंजॉय करोगे यस चलो किधर चलना ओके बैठो आप लोग क्या कर रहे हैं बैठो ताकत इतनी ऐसे जाएगी और बंद है ठंड में बंद है देखो बल का प्रयोग हम नहीं करते हैं हम अच्छी जगह बल का प्रयोग करते हैं तो ताकतवर इंसान हमेशा अच्छी जगह ताकत लगाएगा तो वो काम आएगा।